यार बिहार में इतने बड़े बड़े इतने अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस सारे डिस्ट्रिक्ट में बने हुए हैं, पर इनमें एडमिशन कैसे लें? और क्या इनमें एडमिशन लेना सही हुआ? क्या यहाँ से हमारा जॉब लगेगा, प्लेसमेंट लगेगा? यार कोई बता दो यार। अरे छेंगा भाई, तुम टेंशन काहे को लेता है। मैं तेरे को बताऊंगा कि तू बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे एडमिशन ले सकता है और ये तेरे लिए बेनिफिशियल होने वाला है या नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग कवर करेंगे हाउ टू गेट एडमिशन, यानी कि कॉलेजेस में एडमिशन कैसे लेना है, व्हाट इज द क्राइटेरिया, एडमिशन लेने के लिए क्राइटेरिया क्या होने वाला है, कितने एज लिमिट तक आप एडमिशन लेना ले सकते हैं, आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, 12th में मार्क्स क्या होना चाहिए एडमिशन के लिए, ठीक है, हाउ मच इज़ द फी, फी कितना लगने वाला है यहाँ से आपका इंजीनियरिंग करने में, बीटेक करने में, विल यू गेट जॉब, लास्ट में हम लोग को जॉब ही चाहिए होता है किसी भी डिग्री के बाद, तो क्या आप यहाँ से जॉब ले सकते हैं इजीली या नहीं, ये भी डिस्कस करेंगे। ऑप्शंस आफ्टर डिग्री, डिग्री मिलने के बाद आपके लिए और क्या क्या न्यू ऑप्शंस खुल जाएंगे, तो सारे चीज़ हम लोग कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हाउ टू गेट एडमिशन, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए दो तरीके हैं, पहला जेई मेन के थ्रू और दूसरा बीसीईसी के थ्रू, ठीक है। सबसे हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है जेई मेन, क्योंकि जेई मेन का एग्ज़ाम पहले होता है और जेई मेन के थ्रू सारे सीट भरे जाते हैं और जो सीट बच जाते हैं उसको बीसीईसी के थ्रू फिल किया जाता है। यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि बीसीईसी यहाँ टेम्पररी तरीके से काम कर रहा है, जैसे कि अगर जेई मेन से सारे सीट भरने लगेंगे तो फिर बीसीईसी को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, ये एग्ज़ाम होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जेई मेन का एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो फिर आपका बिहार में उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है यूजीएससी के थ्रू। रजिस्ट्रेशन कराने में आपका 1000 से 1500 का फी आता है, जो कि आपका बिहार के यूजीएससी के थ्रू रजिस्ट्रेशन जिससे हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको काउंसलिंग कराना होता है और काउंसलिंग में आप अपने मनपसंद कॉलेजेस को चुनते हैं और आपका जितना मार्क्स परसेंटाइल रहता है उसके अनुसार आपको कॉलेज मिल भी जाता है। तो ये बेसिक तरीका है एडमिशन लेने का जेई मेन के थ्रू, ठीक है। अगर जेई मेन गलती से आपसे छूट जाता है या फिर जेई मेन का क्राइटेरिया आपका खत्म हो गया था, आप बीसीसी के थ्रू भी यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन यह है कि बीसीसी के थ्रू थोड़ा मेहनत पड़ जाता है, क्योंकि सबसे पहले क्या करता है कॉलेजेस की जेई मेन के थ्रू स्टूडेंट लेता है, फिर सीट बच जाता है तब बीसीसी को मौका देता है। तो यहाँ से ये यह है कि अगर आपको मनपसंद डिजायर ब्रांच चाहिए तो वो शायद हो सकता है कि आपको नहीं मिल पाए, सीएससी का आमतौर पर भर ही जाता है जेई मेन से ही सारे कॉलेजेस में, क्योंकि जेई मेन के थ्रू सारे बच्चे ले चुके होते हैं, तो फिर बीसीसी के थ्रू लोअर ब्रांचेस जैसे कि मैकेनिकल वगैरह में एडमिशन वगैरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट तरीका है हमारा एडमिशन कराने का जेई मेन। अब बात करते हैं क्राइटेरिया, व्हाट इज द क्राइटेरिया, तो इसका बहुत ही बेसिक सा क्राइटेरिया है कि आपको 12th पास होना चाहिए पीसीएम के साथ। पीसीएम क्या होता है? पीसीएम होता है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी कि 12th में आपका ये सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और बात करें परसेंटेज का कि 12th का आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो नो मैटर, बस आपको पास होना है। अगर आप 3rd डिवीज़न भी आ रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, बस आपको क्या करना है, पास आना है, ठीक है। तो जेई मेन के लिए क्या करना है आपको, या तो 12th पास होना है और या फिर डिप्लोमा पास होना है एनी ब्रांच से, ठीक है। अब ये बात आता है कि एज लिमिट क्या है, तो देखिए यहाँ पर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, बस नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम लिमिट है। यानी कि अगर आप 12th आज कर रहे हैं, इस ईयर कर रहे हैं, तो आज के 2 साल बाद तक ही आप जेई मेन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बेसिकली 3 साल तक देने का रहता है सबके लिए, पहला ईयर जब वो 12th पास करता है, दूसरा ईयर उसके 1 साल बाद और तीसरा ईयर उसके 1 साल बाद, यानी कि अपने 12th के 2 साल बाद तक आप जेई मेन दे सकते हैं। ये बेसिक क्राइटेरिया होता है और यहाँ पर कोई परसेंटेज 12th में मैंडेटरी नहीं है, बस आपको पास होना है। और डिप्लोमा का भी सेम सिचुएशन है, डिप्लोमा के थ्रू आ करके भी आप जेई मेन का फॉर्म भर सकते हैं, नो मैटर आप 12th किए हैं या नहीं किए हैं, बस आपको पास होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। डिप्लोमा वाले के लिए एक और भी तरीका होता है, वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं एली के थ्रू, जिसे लैटरल एंट्री बोलते हैं, तो उनका अलग से एग्ज़ाम होता है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं फ्रेशर्स के लिए जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, ठीक। तो अब देखते हैं इन कॉलेजेस में एडमिशन कराने के लिए, यहाँ से डिग्री कंप्लीट करने के लिए आप कितना फ़ी खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर फ़ी का बात कर रहे हैं तो आपको एडमिशन कराते से ही यहाँ पर 2630 रुपया जमा करना पड़ेगा, यानी कि एडमिशन फी सभी कॉलेजेस का लगभग 2630 रुपया चल रहा है बिहार इंजीनियरिंग का, ठीक है। और ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर का बात करें तो देखिए एक सेमेस्टर में 6 मंथ होते हैं, ठीक है। तो ट्यूशन फ़ी मतलब कि जो एकेडमिक्स का आपका फ़ी है, जो आपका टीचिंग वगैरह होने वाला है, तो अगर उसका बात करें तो उसको आपको 120 रुपये पर सेमेस्टर देना पड़ेगा,
यानी कि पर मंथ का आपका 20 रुपये है, ठीक है, जो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा ही कम है, ठीक है। और एग्ज़ाम फी का बात करें तो वो 3700 है, ये भी आपका OBC और जनरल के लिए। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपका एग्ज़ाम फी 700 भी लगता है, ठीक है। और हॉस्टल फी का बात करें तो 1000 पर मंथ, और मेस फी का बात करें तो 3300 है। देखिए ये जो फी यहाँ पर लिखा गया ये मैक्सिमम फी है, इनसे बहुत सारे कॉलेजेस में इनसे काफ़ी कम फी भी लगते हैं बिहार इंजीनियरिंग के, लेकिन मैंने मैक्सिमम लिया है ताकि इसके अंदर सारे कॉलेजेस कवर हो जाए, ठीक है। फी इसमें ज़्यादा नहीं है, आप जैसे कि देख सकते हैं, अगर आपका घर पास में है तो आपका हॉस्टल फी और मेस फी तो लगने नहीं आला है, तो 4300 रुपये आपका कम हो गया ऐसे ही। बस आपको एडमिशन फी में लगेगा 2630 रुपया, ट्यूशन फी में लगेगा 120 रुपये 6 मंथ का, और एग्ज़ाम फी एग्ज़ाम भी 6 मंथ पर ही होता है, तो एग्ज़ाम में अगर आप OBC जनरल है तो आपको 3700 देना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप SC ST है तो आपको 700 देना पड़ेगा। हालांकि इन कॉलेजेस में बहुत सारे स्कॉलरशिप भी आते हैं, जैसे कि NSP वगैरह हो गया, PMS वगैरह हो गया। आप मान करके चलिए जितना फी आपका खर्चा होने वाला है उसका 75% 75% आपको स्कॉलरशिप के थ्रू आपके पास आ जाने वाला है। और उसके अलावा आप स्टूडेंट क्रेडिट का भी बेनिफिट ले सकते हैं, वहाँ से आपको डायरेक्टली आपको पढ़ने के लिए बहुत सारा पैसा, जो भी आपका फी रिक्वायरमेंट है उतना पैसा आता है, ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को चुकाना भी नहीं है, सरकार माफ़ कर देती है, तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ सबको कि लेना ही चाहिए, क्योंकि पहला बात है कि इतना कम इंटरेस्ट पे मिल रहा है, 4 साल बाद पे करना है, वो भी उसके 1 साल बाद से लगेगा इंटरेस्ट, वो भी 4% का, मार्केट रेट का बात करें तो 12 से 20% का भी चल रहा है इंटरेस्ट, तो जिसके पास पैसा भी उसको भी ले लेना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट उसको माफ़ कर दे, तो फिर भाई फ़ायदा ही फ़ायदा है क्या। तो ये था बिहार इंजीनियरिंग कॉलेजेस के फी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग की, कि आपकी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। तो अगर बिहार इंजीनियरिंग के दो जो बेस्ट कॉलेजेस है, अगर उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर का बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं MIT मुजफ्फरपुर। MIT मुजफ्फरपुर बिहार इंजीनियरिंग का टॉप कॉलेज माना जाता है, ठीक है। अगर यहाँ का हाईएस्ट पैकेज का बात करें तो 30 लाख LPA, यानी कि लाख पर NM, यानी कि 1 साल का उसका पैकेज कितना है, 30 लाख का है, ठीक है। आप समझ सकते हैं काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। अगर बात करें उसका एवरेज पैकेज का तो 10 लाख का है, और उसका मिनिमम पैकेज का बात करें तो 7 लाख का है। अगर आपको गलती से भी MIT मुजफ्फरपुर मिल जाता है और उसका IT ब्रांच मिल जाता है जो कि CSE रिलेटेड ही होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो भूल कर भी दोस्त उसको छोड़ना मत, क्योंकि आप देख सकते हैं, और ये गूगल का रिजल्ट है यहाँ पर, ठीक है। गूगल से सर्च करके मैंने निकाला है, शिक्षा का वेबसाइट से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट पैकेज क्या है MIT का वो 30 लाख है, और जो उसका एवरेज पैकेज है वो 10 लाख है, और जो उसका मिनिमम पैकेज इस बार का गया था पिछला बार का वो था 7 लाख, जो ये काफ़ी सही होता है। दूसरे बेस्ट कॉलेज का बात करें तो है हमारा BC भागलपुर। BC भागलपुर बिहार का दूसरा सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है। अगर इसका हाईएस्ट पैकेज का बात करें तो यहाँ से भी 30 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया है, और लोएस्ट पैकेज 4 लाख पर NM, ठीक है। और एवरेज पैकेज कितना का है तो 7 लाख का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं वो तो अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स वगैरह दे ही रहे हैं। अब डाउट आता है कि सबका तो उतना अच्छा कॉलेज में एडमिशन नहीं होने वाला है, तो क्या जो नॉर्मल कॉलेजेस हैं या फिर जो न्यू कॉलेजेस जो अभी बने हुए हैं, क्या वो लोग भी अच्छे प्लेसमेंट दे सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, वो लोग भी प्लेसमेंट दे रहे हैं। हालांकि जो उनका प्लेसमेंट है वो अभी कैंपस के थ्रू ही चल रहा है, तो कैंपस में क्या होता है कि कॉलेज खुद से कंपनीज को बुलाता है और बोलता है कि हमारे बच्चों का आप इंटरव्यू लीजिए, टेस्ट लीजिए, और अगर ये जैसा करते हो उसके बेसिस पर आप इनको प्लेसमेंट दीजिए, ठीक। तो क्या होता है कि बिहार के अंदर छोटे छोटे कॉलेजेस जो न्यू बने हुए हैं उनमें ज़्यादातर कंपनीज नहीं आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं आती, फिर भी कंपनी जाती है, प्लेसमेंट तो सबका होने वाला है, 4 लाख 5 लाख तो सबका हो जाएगा। लेकिन अगर 30 लाख का बात करें तो इतना बड़ा कंपनी अभी न्यू कॉलेजेस में नहीं आती है। लेकिन यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हैं, और ऑफ कैंपस अप्लाई करना बहुत ही सिंपल होता है। बहुत सारे बच्चों ने बिहार इंजीनियरिंग से ऑफ कैंपस अप्लाई करके अच्छे अच्छे प्लेसमेंट को फोड़े हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। आप भी सोचो कि यहाँ से जिसका जॉब लगेगा, CSE डिपार्टमेंट से जिसका भी जॉब लगने वाला है, उसका तो प्राइवेट ही लगने वाला है, तो उसको कॉलेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसको चाहिए अस्किल बंदा काम करने वाला होना चाहिए, तो आएगा, टेस्ट लेगा, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए जिसको ऑफ कैंपस बोलते हैं, वहाँ से वो आपका ऑनलाइन टेस्ट वगैरह लेगा, इंटरव्यू लेगा, फिर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो आपको वहाँ से डायरेक्ट हायर कर लेगा, ठीक है। अगर बात करें बिहार के एक फेमस कॉलेज DC दरभंगा का, तो वहाँ से एक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट
जिसको इंटर्न मिला था माइक्रोसॉफ्ट में, वो भी ऑफ कैंपस था। आप सोच सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट कितना बड़ा कंपनी है, और वहाँ से इंटर्न मिला था 18 लाख पर एनम का, तो सोच सकते हैं काफ़ी अच्छा सा इंटर्नशिप था वहाँ का। तो यहाँ से आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना, ऑन कैंपस ही चाहिए, तो फिर भी आपका प्लेसमेंट होगा, यही है कि कुछ कम अमाउंट मिलेगा, 4-5 लाख के अराउंड, तो वो भी काफ़ी सही है। अगर बात करें कि इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑप्शंस क्या रहते हैं बीटेक करने के बाद, तो पहला बात है कि जो आप नॉर्मल बीए बीएससी करने के बाद एग्ज़ाम देते थे, वो सारा एग्ज़ाम आप बीटेक करने के बाद भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं तो बोलूँगा कि आप बिहार से बीए या बीएससी से अच्छा है कि आप बीटेक ही कर लीजिए, फ़ी भी बहुत कम लग रहा है, क्या लगेगा 1 साल ज़्यादा लगेगा। तो डिग्री के बाद का आपका ऑप्शंस हो जाएगा कि आप जॉब ले सकते हैं, प्लेसमेंट ले सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, आप यूपीएससी या फिर बीपीएससी फोड़ सकते हैं, जो कि आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद भी होता है। उसके अलावा आप इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर डिप्लोमा कॉलेज का एज अ टीचर प्रोफेसर बन करके भी आ सकते हैं इंजीनियरिंग के डिग्री के बाद। आप पीएसयू सेक्टर्स में जा सकते हैं, अगर आपका सिविल इंजीनियर तो आप साइट इंजीनियर वगैरह एई जेई सब बन सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं, आपका नॉर्मल वाले भी ऑप्शंस आ जाते हैं, जो कि आप नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद करते थे वो तो रहते ही रहते हैं, प्लस में जो आपका एक्स्ट्रा इंजीनियरिंग के आने की वजह से बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये तो है कि आप यहाँ से अगर इंजीनियरिंग करते हो, बीटेक करते हो, तो आप फंसने नहीं वाले हो, कहीं ना कहीं आप सेट हो ही जाओगे। और बिहार इंजीनियरिंग का जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस जैसे कि भागलपुर और मुजफ्फरपुर हो गया, उनका हिस्ट्री भी वहाँ से बहुत ज़्यादा आईएएस ऑफिसर या फिर बीएएस ऑफिसर निकले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर से भी आप इजीली जा सकते हो। मेन बात ये होता है ना कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज होता है ना, वो आपको मेहनत करना सिखाता है, क्योंकि आपको सेमेस्टर देना होता है, तो एक बार जो बच्चा मेहनत करना सीख गया, वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर सकता है, तो ये इसका बेनिफिट हो जाता है। तो होप करता हूँ कि झिंगा भाई को इस चीज़ के रिगार्डिंग सारा डाउट खत्म हो गया होगा, और अगर खत्म हो गया हो तो झिंगा भाई तुमको पता है ना क्या करना है। हाँ भाई, आपके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लूँगा, और तुम लोग क्या देख रहे हो तुम लोग भी कर लो, बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है।